अस्सलाम वालेकुम, मरहबा खदम रावल एंड वेलकम टू माय व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। टुडे आई एम गोना शो यू हाउ यू कैन प्रिपेयर FBA शिपमेंट एंड हाउ यू कैन सेंड और टेक बाय योरसेल्फ टू अमेजन फुलफिलमेंट सेंटर। मैं आपको शुरू से आखिर तक सारा प्रोसेस समझाऊंगा। आई विल डू माई बेस्ट टू एक्सप्लेन इन अ बेटर वे दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट। सबसे पहले आप जाएंगे अपने सेलर अकाउंट में। व्हेन यू गो टू योर सेलर अकाउंट, सेलेक्ट द आइटम यू वांट टू सेंड टू अमेजोन FBA। सो आई एम गोना सेलेक्ट दीज थ्री आइटम्स। यू विल हैव टू क्लिक हियर सेंड रिप्लेनिश इन्वेंट्री। अगर ये आपको शो नहीं हो रहा तो यू विल हैव टू क्लिक चेंज टू फुलफिल्ड बाय अमेजोन। फिर आपने इसका स्टेटस चेंज करना है। जब आप स्टेटस चेंज करेंगे देन मे बी यू विल सी सेंड रिप्लेनिश इन्वेंट्री। मैं क्लिक करूंगा सेंड रिप्लेनिश इन्वेंट्री। आई विल क्लिक यस कंटिन्यू। अब मैं क्लिक करूंगा कन्वर्ट एंड सेंड इन्वेंट्री। यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन है कन्वर्ट ओनली। कन्वर्ट ओनली का मतलब है कि ये प्रोडक्ट का स्टेटस चेंज हो जाएगा फुलफिल्ड बाय अमेजोन और आप इन्वेंट्री सेंड नहीं करेंगे। लेकिन मैंने प्रोडक्ट का स्टेटस भी चेंज करना है एंड आई हैव टू सेंड इन्वेंट्री टू अमेजोन। सो आई विल क्लिक कन्वर्ट एंड सेंड। नाउ द मेन रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन इज 8 डेंजरस गुड्स इन्फॉर्मेशन। अगर आपके प्रोडक्ट में कोई बैटरीज वगैरह हैं तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ इंटर करनी होगी। हाउ यू विल इंटर इट, आप देखें क्लिक। पहले प्रोडक्ट पे आप क्लिक करेंगे, उसमें आपसे पूछ रहे हैं बैटरी इन्फॉर्मेशन। अगर बैटरी है तो यस करेंगे। यस करेंगे तो मज़ीद ऑप्शंस खुल जाएंगी। प्रोडक्ट इज़ अ बैटरी, प्रोडक्ट इट्सेल्फ अ बैटरी है, प्रोडक्ट कंटेन्स अ बैटरी और ये सारी डिटेल जो भी आपके प्रोडक्ट की स्टेटस है। यू विल सेलेक्ट एनी वन ऑफ द स्टेटस। सिंस इन माई केस द प्रोडक्ट डजेंट हैव एनी बैटरी सो आई विल सेलेक्ट नो। प्रोडक्ट रेगुलेशन इन्फॉर्मेशन, इज़ दिस प्रोडक्ट कंसिडर्ड टू बी डेंजरस गुड और हजर्डस। कोई केमिकल वगैरह इस तरह का कोई आइटम है तो आपने यस करना है, अदरवाइज यू विल क्लिक नो। और आप नॉट श्योर, अगर आपको पता नहीं है तो यू कैन क्लिक नॉट श्योर। सो आई विल क्लिक हियर नो, सबमिट। द सेम प्रोसेस आई विल डू फॉर द नेक्स्ट प्रोडक्ट, नो नो। नाउ विल गो टू द थर्ड प्रोडक्ट, नाउ सेव एंड कंटिन्यू। यहां आपको अपने प्रोडक्ट्स की मजीद डिटेल देनी होगी। फॉर एग्जाम्पल मेरा ये प्रोडक्ट है, ये एक कार्टन में 10 पीसेस हैं। देन आई विल सेलेक्ट केस पैक्ड। अगर ये प्रोडक्ट सिंगल पैक्ड है और कार्टन में पैक्ड 10 पीसेज और 20 पीसेज नहीं है, देन आई विल सेलेक्ट द फर्स्ट ऑप्शन इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स। इन माय केस हर प्रोडक्ट अलग अलग है, कोई भी केस पैक्ड प्रोडक्ट नहीं है। सो आई विल सेलेक्ट द फर्स्ट ऑप्शन, कंटिन्यू टू शिपिंग प्लान। राइट, यहां पर मैंने तीन प्रोडक्ट्स सेलेक्ट किए हैं। तीनों प्रोडक्ट्स की मज़ीद डिटेल मुझे देनी होंगी। व्हाट आर द डिटेल्स, प्रोडक्ट की क्वांटिटी क्या है। मैं ये है 2 पीसेस, राइट। अब यहाँ पर प्रोडक्ट की डायमेंशन देनी होंगी। डायमेंशन क्या है, इसकी लेंथ, इसकी वेड्थ और इसकी हाइट, ये प्रोडक्ट की डायमेंशन है। यहाँ इन माई केस ये हैं
16, इसकी लेंथ 16 बाय, इसकी विड्थ है 8 और इसकी हाइट है 3। ये सेंटीमीटर्स में है, आप मज़ीद भी सेलेक्ट कर सकते हैं फिट्स और इंचेस और एनीथिंग, राइट। इसका वेट कितना है? आप अप्रोक्सीमेट वेट लिख सकते हैं, मे बी 40 ग्राम, तो 0.40, राइट। अब मैं सेव क्लिक करूँगा, मेरा एक प्रोडक्ट सेव हो गया। अच्छा, जब नई लिस्टिंग होगी, आपको प्रोडक्ट को जब आप पहली बार सेंड करेंगे तो फर्स्ट टाइम आपको ये डिटेल्स देनी होगी, नेक्स्ट टाइम आपको ये डिटेल इंटर करने की ज़रूरत नहीं है, यानी प्रोडक्ट की डायमेंशन इंटर करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ क्वांटिटी कितनी है? 2 पीस। Here goes the second product. Quantity is 3. अब मेरे सारे प्रोडक्ट्स की डायमेंशंस इंटर हो चुकी हैं और क्वांटिटी भी इंटर हो चुकी है। Now I'll click continue. Click continue. मेरे total units हैं 7 और SKUs हैं 3, यानी stock keeping units हैं 3 और total units हैं 7. अब मैंने print label for this page. आपने label का size select करना है और label को print कर देना है। यहाँ पर ये देखें, आपको आ जाएगा आपका आपके लेबल्स, ये आपके प्रोडक्ट के लेबल्स हैं, राइट। आप साइज डिफरेंट साइज भी चेक कर सकते हैं, आपको कोई डिफरेंट साइज चाहिए आप वो भी सेलेक्ट कर सकते हैं। देखें, कोई भी साइज आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मेरे लेबल्स आ गए, नाउ आई विल क्लिक ऑन कंटिन्यू। यहाँ पर आप अपने शिपमेंट को कोई नाम दे सकते हैं, आई विल गो विद द सेम नेम, क्योंकि ये नाम मुझे सारी डिटेल देता है, द टाइम व्हेन आई क्रिएटेड माय शिपमेंट और डेट जब मैंने शिपमेंट क्रिएट की थी। सो क्लिक ऑन अप्रूव शिपमेंट। MSKUs are 3, the total units are 7, right? So work on shipment. अब यहाँ पर आपको courier select करना होगा, आप किन के ज़रिए भेजना चाह रहे हैं। I will click on other because I'm gonna ship it by myself. मैं खुद जाके Amazon Fulfillment Center में अपनी shipment जमा करवाऊँगा। So I have selected other. अब शिपमेंट पैकिंग, जो शिपमेंट आप रेडी करेंगे, जिस कार्टन के अंदर आपकी सारी प्रोडक्ट्स होंगी, उस कार्टन की डिटेल आपको देनी है। टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने हैं? 1। बॉक्स का वेट कितना है? आई विल गो विद अप्रोक्सीमेट वेट, यानी मैक्सिमम इट इज़ 2 kg, राइट। जिस तरह आपने ईच प्रोडक्ट की डायमेंशंस देनी है, the same way you'll have to give them the dimensions of your box then that you are gonna ship to Amazon FBA. So it is approximately 30 by 30, yani from all sides it is 30 cm. First time we printed label for each product, but now they will give us a label for the box. मैं यहाँ पर साइज भी चेंज कर सकता हूँ, थर्मल प्रिंटिंग।
ये वो लेबल होगा जो हमें अपने कार्टन के ऊपर पेस्ट करना होगा। नाउ आई विल सेव इट। ये हमें मज़ीद इंफॉर्मेशन दे रहे हैं हाउ टू डू दिस। नाउ कंप्लीट शिपमेंट। अब मेरी शिपमेंट कंप्लीट हो गई है। अब जो सेकंड फेज है वो मुझे क्या करना है कि जो वेयर हाउस इन्होंने मुझे दिया है, यहाँ पर इन माय केस दे हैव रेफर्ड मी RUH3 फुलफिलमेंट सेंटर। तो अब मैंने क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, मैंने इस वेयर हाउस में, इस फुलफिलमेंट सेंटर में अपॉइंटमेंट लेना है अपनी शिपमेंट सबमिट करवाने के लिए। और शिपमेंट सबमिट करवाने के लिए मुझे जो इम्पोर्टेंट चीज़ चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, वो है अमेज़ॉन रेफरेंस आईडी। जब आप अपनी शिपमेंट यहाँ पर कंप्लीट करेंगे तो अमेज़ॉन रेफरेंस आईडी फौरन नहीं आएगी, थोड़ा सा टाइम लगेगा, यानी अप्रोक्सीमेटली 1 आवर, तकरीबन 1 घंटे के बाद आपकी रेफरेंस आईडी आ जाएगी। जब आपके हाथ में रेफरेंस आईडी होगी उसके बाद आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अगर आप सऊदीया में हैं, आप यूएई में हैं या आप इंडिया में हैं, हर मुल्क के लिए अलग साइट इन्होंने बनाई है जिसका बेसिक स्ट्रक्चर सेम है, लेकिन चूंकि साइट का एड्रेस डिफरेंट होता है तो हर मुल्क के लिए अलग एड्रेस होगा। यू कैन गेट इट फ्रॉम द रिस्पेक्टिव फुलफिलमेंट सेंटर इन योर कंट्री और इन योर सिटी। आई हैव द एड्रेस राइट नाउ। For those who are working in Saudi Arabia, I will leave the link in the description. This is the site careercentralamazon.sa. Because I have got Amazon reference ID, now I can request for appointment now. Here I'll have to, it is in Arabic, I'll have to change the language to English. Acha, in this first you'll have to register. If you haven't created your account, you'll go and create your account, right? So since I have created my account before, so I will just process for appointment. आप क्या करेंगे, यहाँ से अपना वेयर हाउस सेलेक्ट करेंगे, जो वेयर हाउस उन्होंने हमें रेफर किया है RUH3 फुलफिलमेंट सेंटर, तो यही वेयर हाउस वी विल सर्च इट ओवर हेयर। दिस इज RUH3 राइट, आई हैव सेलेक्टेड दिस। They are asking about the freight type. It is truckload or less than truckload? It is obviously less than truckload. It is pelletized. Pelletized means वो जो pellet होता है लकड़ी का और प्लास्टिक का जिसके ऊपर लोड रखा जाता है, that is called pellet. तो pelletized नहीं है, it is floor load. एक छोटा सा carton है, you can take it anywhere. Is freight clampable? यानी उसके लिए क्रेन चाहिए? नो, वी डोंट नीड क्रेन फॉर देट। अच्छा, ट्रेलर जो गाड़ी आपकी शिपमेंट ले जाएगी उसका कोई यूनिक नंबर है? सिंस वी डोंट हैव एनी यूनिक नंबर, फॉर नाउ आई विल लीव इट एम्प्टी। अच्छा, कैरियर रिक्वेस्टेड डिलीवरी डेट, आपको कौन सी डेट की अपॉइंटमेंट चाहिए, आप वो डेट सेलेक्ट करेंगे। For example, I will select here, it is 20, so I will try to select 24 and around about 2 o'clock in the afternoon. If you have any comments, write any comment. Here you will have to enter your name. You can take copy your name from here. Paste the name. Pallet count, it doesn't have any pallet. Carton count, it is 1 carton. Unit count, how many units are this? These are 7 units, right? So I will write 7 units. Okay, now what I'll do, I will copy this reference ID, copy and paste it here. Replace FBA IDs. FBA shipment ID is replaced successfully, right? Now, since I have selected my date, I have completed all the information. We don't need ARN, we don't need PRO, and in some cases, maybe they will ask right now. If they ask,
you just copy this and paste it here, but they will not ask for BOL. So this is the PO. Your reference ID is the PO. Let me check now. Failed. So what I will do, I will copy this and paste it here. Now let me try again. Appointment created successfully. You can view and edit your appointment here. Hamari appointment, we have created the appointment right now, and this is the appointment detail right now. Carrier requested delivery date. Our requested date is 24th, but maybe they will change it later on. Now we have completed our shipment and our appointment request. We have requested them appointment, lekin wo hame appointment confirm karenge email ke zariye. It is not necessary ke jo hamari requested date hai appointment ki, wahi date wo hame denge. Maybe they will move it around, or timing को मूव कर सकते हैं, डेट मूव कर सकते हैं. सो दे विल नोटिफाई अस थ्रू ईमेल. नाउ इफ यू वांट टू चेक योर शिपमेंट और द डिटेल्स ऑफ योर शिपमेंट, व्हाट यू विल हैव टू डू, गो टू मेनू, इन्वेंटरी, मैनेज एफपीए शिपमेंट्स. सो हियर दे विल शो यू ऑल योर शिपमेंट्स इन ट्रांजिट, रिसीविंग और रिसीविंग. सो दिस इज द लास्ट shipment we have prepared right now. We will click on the link here, and this is our shipment we have just created right now. So ye uski shipment ki complete details hai. So that's it for today. Hope you got the point. If you have any question, any query, just drop it in the description. I will do my best to answer your question. Thank you very much for watching. Assalamu alaikum wa rahmatullah. मेरी अपॉइंटमेंट है अमेज़ॉन में. इस वक्त बज रहे हैं तकरीबन 12:20 और 2:15 की मेरी अपॉइंटमेंट है. वो लोग टाइमिंग को कंसीडर नहीं करते, लेकिन डेट को कंसीडर करते हैं. तो अगर डेट आप एक दिन पहले गए या एक दिन बाद में गए, तो आपकी अपॉइंटमेंट एक्सेप्ट नहीं की जाए. लेकिन अगर आप 2:00 की है, सुबह 10:00, 11:00 गए, तो नो इशू. तो अब मैं जा रहा हूँ, देखते हैं क्या होता है. सी यू देयर. जब मैं ऑफिस से निकला, तकरीबन 12:20 हो रहे थे, अभी 2:40 हो रहे हैं. तो अब सोचिए कितना टाइम लगा. यानी बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं ये लोग. एनीवेज शिपमेंट सबमिट हो गई है, और मैक्सिमम 2 दिन लगेंगे स्टॉक सेलर अकाउंट में शो होने में.